हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस अकाउंट्स की क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टॉक पढ़ा था, इससे पहले और भी बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने सीखा था। उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ नई चीज़ों का सीखने का प्रयास करते हैं। ओके, तो स्टॉक समझ गए थे कि किसी दी गई तिथि पर बिना प्रयोग किया हुआ जो भी सामान आपके यहाँ आपके दुकान में या आपके व्यवसाय में पड़ा हुआ है उसे स्टॉक कहते हैं। उसी में ओपनिंग स्टॉक के बारे में बताया था और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बताया था। इसके आगे स्टॉक के ही कैटेगरी होते हैं, जैसे कि लाइव स्टॉक जो कि जीवित हो, जैसे कोई जानवर, पशु हो, घोड़ा हो, बैल हो, ये सब यदि आपके संपत्ति में है उसे जीवित संपत्ति कहते हैं। और मृत डेड किसको बोलेंगे, जो जीवित ना हो। जिन संपत्तियों का प्रयोग व्यापार के संचालन के लिए किया जाता है, जैसे कोई मशीन हो गया या फिर कोई भी प्लांट्स, ओके, तो ये सब क्या है, डेड स्टॉक है। तो ये सब समझना आसान है, इसका एंट्री कुछ नहीं होता, इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा खास समझना नहीं है। हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं क्रेडिट और डेबिट, जो कि शुरू से हम लोग ये वर्ड यूज करते आ रहे हैं। जब से अकाउंट शुरू किए हैं तब से लेकर अभी तक ये वर्ड बार बार हम लोग यूज कर रहे हैं। तो क्रेडिट शब्द जो है वो लैटिन भाषा क्रेडर, ठीक है, शब्द से बना है, जिसका अर्थ है उसको दे, यानी ड्यू टू दैट। इसे हिंदी में जमा या समाकलन या धनी कहा जाता है। तो क्रेडिट में क्या होता है, हम लोगों को देना होता है, ठीक है। और डेबिट में क्या होता है, डेबिट वर्ड जो है वो लेटिन भाषा है डेबिटम, इससे बना हुआ है और इसका अर्थ होता है उसके लिए दे, यानी ड्यू फॉर दैट। इसे हिंदी में नामे, ये नामे सबसे प्रचलित है और इसका जमा ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है, इसे आप ध्यान में रखना। हिंदी में ये प्रचलित है, वैसे हम लोगों को हिंदी नहीं जानना, क्रेडिट और डेबिट समझते बस यही काफ़ी है। विकलन या ऋणी कहा जाता है, ठीक है। तो क्रेडिट मतलब देय होता है और डेबिट मतलब नामे होता है, उसके नाम से जमा होना है, ठीक है। अब जो हमारा मेन टॉपिक आता है वो है एक्सपेंडिचर, क्योंकि कभी कभी एक्सपेंडिचर में और एक्सपेंस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो इसे हम लोग अभी दूर कर लेते हैं। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, हम लोग इसको बोलते हैं खर्च, संपत्ति, माल अथवा सेवाओं प्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी भुगतान अथवा स्थानांतरण खर्च कहलाता है। मतलब सबसे पहले बात है, एक खर्च होता है, जैसे हम लोग यहाँ से कहीं जाते हैं, कोई दूरी तय करना हो, यदि सपोज मुझे यहाँ से दिल्ली जाना हो तो उसके लिए हम लोग जो खर्च करते हैं वो एक्सपेंडिचर नहीं कहलाता, वो एक्सपेंस कहलाता है। इसलिए एक्सपेंडिचर का जो परिभाषा है उसे अच्छे समझना है। संपत्ति यानी जो भी गुड्स होता है, माल अथवा सेवाएं यानी सर्विसेज प्राप्त करने के लिए, यदि संपत्ति माल या सेवा प्राप्त करने के लिए किया गया जो भुगतान होता है उसे ही हम लोग एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। यह दो तरह का होता है, और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सपोज अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल देकर इसे मैं समझा देना चाहूँगा कि यदि आप कोई वस्तु दिल्ली से आप पटना लाते हैं, आपका दुकान है किसी चीज़ का और आपका वो सामान दिल्ली से आप मंगवाते हैं, अपना आप जो बेचते हैं वो दिल्ली से मंगवाते हैं, तो दिल्ली से जो पटना तक का आपका जो भाड़ा लगता है वो आपका एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ठीक है, वो एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। अब इसमें क्या सब एग्जांपल होता है वो मैं दिखा देता हूँ, ध्यान रहे, हम लोग जब ट्रेवल करेंगे तो वो एक्सपेंडिचर नहीं कहलाएगा, वो एक्सपेंस कहलाएगा। यदि मैं बिजनेस पर्पस की बात कर रहा हूँ, मुझे सामान लाने में जो खर्च हो रहा है वो होता है एक्सपेंडिचर। अब हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स होता है पूंजीगत स्थानांतरण खर्च, अस्थायी संपत्तियों के अथवा मूल्य में वृद्धि करने के उद्देश्य से
किया गया कार्य पूंजीगत स्थानांतरण कहलाता है। ध्यान देना है, और दो वर्ड पे ध्यान देना है आपको। पहला कि अस्थाई संपत्तियों के अथवा मूल्य में वृद्धि करने के उद्देश्य से, ठीक है। ये अस्थाई संपत्ति की यदि मूल्य में हम लोग वृद्धि करेंगे, अब अस्थाई संपत्ति क्या होता है, तो आप जिस जगह व्यवसाय कर रहे हैं उस जगह, उस व्यवसाय के जिस भूमि पर है आपका, वो भूमि आपका अस्थाई संपत्ति है। उसके बाद जिस मकान में या जिस बिल्डिंग में आप व्यवसाय कर रहे हैं वो बिल्डिंग आपका अस्थाई संपत्ति है। आपके दुकान में या आपके व्यवसाय में जो फ्रिज, एसी, चेयर, टेबल, सोफा, जितने सारे चीज़ लगे हुए हैं, फैन होगा, ये सारा चीज़ फिक्स एसेट्स कहलाता है, यानी अस्थाई पूंजी कहलाता है। और ये अस्थाई संपत्ति को, सॉरी अस्थाई संपत्ति कहलाता है, इस अस्थाई संपत्ति के मूल्य में वृद्धि करना है। सपोज आप कोई बिजनेस शुरू में किए थे तो किसी एक रूम से शुरू किए थे, तभी आपका वो एक ही रूम में बिजनेस चल रहा था। लेकिन जब आप इस बिजनेस में आपका वृद्धि हुआ, जब आप बढ़ाए तो उस जगह पे आपको दो रूम की आवश्यकता पड़ गई या कोई बड़ा रूम की आवश्यकता पड़ गई, तो आप जो खर्च एक रूम से दूसरे रूम में जाने में कर रहे हैं या एक रूम दो रूम दोनों रूम को लेने में कर रहे हैं या कोई बड़ा सा रूम आप लेना चाह रहे हैं, तो इस छोटे रूम को छोड़ के जो बड़ा रूम आप लेने के लिए जो खर्च किए हैं, जितना खर्च किए हैं, सपोज आपका इतना सा ज़मीन में आपका बिजनेस था कोई और अब आपको लग रहा है कि इतना सा ज़मीन में बिजनेस नहीं हो पाएगा मेरा, तो आप क्या करते हैं, नए ज़मीन कहीं पे ख़रीदते हैं, कोई बड़ा सा ज़मीन आप लेते हैं, तो ये जो ज़मीन खरीदने में जो आपने खर्च किया ना, उसी को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। तो उससे किया गया कार्य पूंजीगत स्थानांतरण खर्च कहलाता है। उदाहरण देखिए, भवन हो गया, भूमि हो गया, मशीन हो गया। अब सपोज आप के पास कोई मशीन था जिससे पर मंथ 1000 प्रोडक्शन हो रहा था, 1000 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा था, मतलब 1000 आप आइटम बना पा रहे थे, लेकिन अब उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ गई, आपको 2000 बनाने पड़ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, एक और मशीन खरीदोगे। तो यही जो एक और मशीन खरीदने में जो आपने खर्चा किया ना, उसी को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। इतना आपको अभी समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इससे आगे। अब है अगला रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये होता है आयगत स्थानांतरण खर्च, ठीक है। तो आयगत स्थानांतरण खर्च वह खर्च है जो आवर्ती प्रकृति का होता है। देखो आवर्ती जो है, हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं अपने क्लास में, आवर्ती मतलब होता है क्या, कुछ कुछ समय पर जो रिपीट होता रहता है उसे ही आवर्ती कहते हैं, ठीक है। अब ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये कभी कभी होता रहता है, मतलब नॉर्मली ये रूल है कि 2 महीने 3 महीने कोई एक समय होता है, उस समय के बाद ये खर्च होता रहता है। जैसे मशीन की मरम्मती की बात हो, आप जिस मशीन को यूज करते हैं उसकी मरम्मती का भी एक फिक्स टाइम होता है। जिस तरह हम गाड़ी का सर्विसिंग कराते हैं, गाड़ी कुछ किलोमीटर जितना भी उसका फिक्स होता है, जिसका भी जितना भी उसको दिया रहता है, उतना किलोमीटर चलने के बाद आप जो है उस पर उसका सर्विसिंग करवाते हैं, तो वो जो सर्विसिंग का खर्चा है वो आपका आवर्ती प्रकृति का है, मतलब कि वो कराना ही पड़ता है। आप अगर यूज कीजिएगा सामान का तो करना पड़ेगा, तो वो जो आप करते हैं खर्च आवर्ती टाइप, मतलब 2 महीने पे कर रहे हैं, 3 महीने पे कर रहे हैं, आप सपोज करो एक एक साल में एक बार आप जो है मशीन की मरम्मत कराते हैं, तो वो कराने में जो भी खर्च आता है वो उसे हम लोग बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब ये क्या कर रहे हैं, आवर्ती प्रकृति का होता है, उसका लाभ एक लेखांकन अवधि में प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो मरम्मत करने से क्या होता है, उस सामान की जो ड्यूरेशन है, वर्किंग ड्यूरेबिलिटी है, वो बढ़ जाती है, मतलब वर्किंग करने की कैपेसिटी जो है सामान्य हो जाती है, क्योंकि जब हम लोग मशीन को यूज करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, उस मशीन की पावर कम होती जाती है, तो जब उसकी सर्विसिंग होती है, जब उसकी मरम्मत कराई जाती है, तो वो मशीन फिर से अच्छा वर्क करने लगती है, जिसके आपका प्रोडक्शन फिर से अच्छा हो जाता है, ठीक है। इसे ही क्या बोला जाता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में अंतर क्या है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम लोग अपने फिक्स एसेट्स के मूल्य में वृद्धि करते हैं, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम जो
आवर्ती टाइप का जो खर्च होता है जो कि हम लोग करते रहते हैं बराबर मरम्मती में या फिर कोई भी चीज़ में, वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, तो अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी इसमें कन्फ्यूजन है तो आप एक बार फिर से सुन सकते हैं इसी चीज़ को, रिपीट कर सकते हैं, और फिर भी यदि ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, जिसे मैं और भी अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू समझा पाऊँ। ओके, इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं एक्सपेंस। तो एक्सपेंस क्या होता है, अभी मैंने तुरंत बताया था कि एक्सपेंडिचर खर्च होता है और एक्सपेंस व्यय होता है। तो एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में क्या अंतर है, इसे ही यहाँ पे समझना है। तो एक्सपेंस क्या होता है, आगम की प्राप्ति के लिए, इतना वर्ड को ध्यान से देखिए, आगम मतलब इनकम होता है। ओके, आगम मीन्स क्या होता है, इनकम होता है। तो ये आगम यानी कोई भी इनकम की प्राप्ति के लिए प्रयोग की गई वस्तुओं एवं सेवाओं, देखिए यहाँ पे एक वर्ड में फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ, गुड्स। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, एक लिखा हुआ सेवा तभी से आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा यहीं क्लियर कर देना चाहता हूँ। वस्तु और सेवा दोनों क्या चीज़ होता है, गुड्स को बोलते हैं हम लोग वस्तु, और सेवा मतलब सर्विसेस। ठीक है, क्या होता है, सर्विसेस। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज जो है दोनों अलग अलग चीज़ होती है। गुड्स मतलब जब हम लोग कोई दुकान जाते हैं कुछ खरीदने के लिए तो वो हमें गुड्स देती है, लेकिन जब हम लोग होटल जाते हैं जहाँ पे कि हम लोगों को एक रात रुकना होता है, कभी जब हम लोग बाहर ट्रेवल करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, होटल तो जिसमें कि रात भर लोग रुक पाएँ, तो उस समय वो होटल वाला आपको कोई चीज़ वस्तु नहीं देता। आप 1000 रुपये देते हो एक दिन रहने का, 24 आवर के लिए 1000 रुपये देते हो, या फिर 2000 देते हो, या 5000 देते हो, वो मैटर नहीं करता। ये जितना भी रुपया आप देते हो, क्या वो इस रुपया में कोई वस्तु देता है आपको, कुछ लेके आते हो आप वहाँ पे? नहीं, आप बस वहाँ क्या करते हो, जाते हो और एक रात या एक दिन या जो भी समय आपको वहाँ पे बिताना हो वहाँ आप बिता के और फिर से उससे रुपया दे के चले आते हैं। तो वो रुपया जो है वो सर्विस के लिए लेता है, गुड्स के लिए नहीं लेता, क्योंकि होटल वाला जो होटल चलाता है वो कुछ बेचता नहीं है, वो बस रूम बना हुआ है उसके पास, वो फैसिलिटी देता है आपको रहने का। ठीक है, तो वो जो रहने की फैसिलिटी दी उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेवा बोलते हैं। ओके, तो आगम की प्राप्ति के लिए, अब जो भी होटल बना होगा जिसमें आप रहने गए उसमें खर्च आया होगा ना, ऐसी थोड़ी होटल बन गया होगा। तो वो जो खर्च किया गया और जो आप पे खर्च करता है, जैसे कि अब होटल बन गया, ठीक है, उसके बाद जो रूम में आया उसके पास कुछ फ्री सेवाएं, जैसे कि उसका जो भी बेड होता है उसको धो के रखना, साफ सुथरा रखना, रूम को सफाई करना, या जो भी और भी चीज़ है, जैसे पानी खर्च, जो भी बिजली बिल, जितना भी चीज़ हम लोग जानते हैं कि हम लोग होटल में खर्च होता है, वो जो खर्च कर रहा है वो क्यों कर रहा है खर्च, क्योंकि उसके पास जो है कस्टमर आए या कोई आदमी आए जिसमें कि वह रहे और उसको उससे इनकम हो। तो वो जो होटल खोल के बैठा हुआ है, 10-15-20-25 या 100 स्टाफ रखा हुआ है एक होटल में, वो 100 स्टाफ को सैलरी देना है, 100 स्टाफ का जो है मेंटेनेंस होगा, फिर हर एक रूम का मेंटेनेंस होगा, बिल्डिंग की मेंटेनेंस होगी, बिजली बिल होगा, उसका जो है पानी का किराया होगा, जितने भी सारे खर्च हैं, वो सारे खर्च वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उस होटल से उसको इनकम आना है, और वो होटल को इस चीज़ नहीं बेच रहा है, वो क्या कर रहा है, बस सेवा दे रहा है, आपको रुकने की जगह दे रही है। ठीक है, तो ये वस्तु और सेवाओं की बात हुई। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो ये वस्तु और सेवा समझ गए होंगे। तो आगम की प्राप्ति के लिए मतलब इनकम प्राप्त करने के लिए वस्तु पर, अब वस्तु की बात करें तो वस्तु तो हम लोग जैसे दुकान जाते हैं तो वो दुकान में क्या करता है, सामान उठा के लाता है कहीं से, उस दुकान को दुकान में रखता है सामान को, कोई चीज़ ऐसा होता है जो कि ख़राब होने वाला होता है उसे जो है फ्रिज के अंदर रखता है, किसी चीज़ को अच्छे साफ सुथरे जगह की ज़रूरत है तो वो साफ सुथरे में रखता है। तो वो जो सफाई साफ होती है, एसी है या फ्रिज है, ये सब इसलिए लगा हुआ है ताकि आपको सामान अच्छे से मिल पाए। तो यह जो लागत होती है इसे हम लोग व्यय कहते हैं। वस्तुतः माल अथवा सेवाओं को उत्पन्न करने तथा विक्रय करने में, ठीक है, आप ध्यान समझना, यहाँ पे वस्तुतः के बाद जो लिखा हुआ इसे आप ध्यान समझो कि सिंपल बात अगर हम समझें तो क्या हो रहा है कि माल अथवा सेवा
दो तीन चीज़ आप क्लियर हो चुका है आपका, को उत्पन्न करने तथा विक्रय करने में, उत्पन्न मतलब प्रोडक्शन करने के लिए और विक्रय मतलब सेल करने के लिए, लाने में नहीं, परचेज करने वक्त की बात नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है प्रोडक्शन की बात कर रहा है और बेचने की बात कर रहा है, उसमें जो लागत आती है उसे ही व्यय कहलाता है। जैसे विक्रय किए गए माल की लागत, जितना भी विक्रय किया गया माल उसका लागत हो गया, वेतन जो सैलरी दिया गया स्टाफ को वो हो गया, किराया जो रेंट दिया गया वो हो गया, बिजली बिल, बहुत सारा चीज़ होता है तो आप लोग वो समझते हैं, तो वो सारे जो खर्च किए गए हैं बस सामान को बेचने के लिए किए गए हैं, ठीक है। और सामान को बेचना क्यों है हमें, क्योंकि मुझे इनकम प्राप्त हो, ठीक है। तो एक्सपेंस जो होता है वो किसी भी दुकान का वह खर्च होता है जो कि इनकम प्राप्त करने के लिए खर्च किया गया हो। अब मैं थोड़ा सा ऊपर आ रहा हूँ, आपको अभी बताया था मैंने कि रिवेन्यू जो होता है एक्सपेंस वो होता है आयगत स्थानांतरण खर्च होता है, ये आवर्ती प्रकृति का होता है। अब देखो आप मशीन की आप मरम्मत करा रहे हो जिस समय, उस समय आपको उससे कोई इनकम नहीं होने वाला है, हाँ उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, वो अच्छे से काम करेगा, लेकिन तत्काल आपको उससे कोई इनकम के लिए आप जो है मशीन को ठीक नहीं करा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। आप कोई भवन खरीद ली, इससे आपको कोई इनकम नहीं होने वाला है, हाँ आपके पास क्या हुआ, एक जगह आ गया जिससे कि आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इतना के बाद जो है एक्सपेंस और रिवेन्यू एक्सपेंस आप समझ चुके होंगे। अब आप एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में अंतर समझ चुके होंगे, ठीक है। यहाँ पे मशीन का खर्च हो गया है, बिल्डिंग बनाने में, भूमि खरीदने में जो खर्च किया, उससे आपको कोई इनकम नहीं होने वाला है, आपका बिजनेस बढ़ेगा, जिससे आपका इनकम बढ़ोतरी होगा, लेकिन वो भविष्य में होगा, तत्काल नहीं होगा। लेकिन यहाँ जो एक्सपेंस की बात कर रहे हैं वो तत्काल इनकम की बात कर रहे हैं। यदि आप कोई सामान बेचने में 10 रुपया खर्च कर दिए तो आपको वहाँ पे 50 रुपया इनकम आ रहा है, तब आप बेच रहे हैं उसको, ठीक है। तो इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब एक्सपेंस जो है वो दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, दोनों को समझ लेते हैं हम लोग। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष खर्चे। वे खर्चे हैं जो माल के क्रय के चरण से लेकर माल के बनाने एवं इन्हें विक्रय योग्य बनाने के चरण तक किए जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि ये क्या कर रहा है, माल के क्रय के चरण से लेकर, जब हम लोग माल खरीदते हैं उस समय से लेकर के माल के बनने एवं इन्हें विक्रय योग्य बनाने के चरण तक। सपोज यदि कोई मोबाइल शॉप है, वो मोबाइल को असेंबल करता है, असेंबल एक कंप्यूटर के लैंग्वेज में समझते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छा होगा, जैसे कि एक सीपीयू को, एक यदि कोई आदमी लेता है सामान तो वो नॉर्मली सीपीयू मॉनिटर कीबोर्ड माउस यूपीएस इतना चीज़ नॉर्मल लेता है, प्रिंटर अगर किसी ज़रूरत लेता है। तो अब इन ये सब चीज़ जो है हम लोग जब सीपीयू को बनाते हैं तो सीपीयू में भी बहुत सारी चीज़ें लगते हैं, तो इन चीज़ों को जोड़ करके एक जगह विक्रय के योग्य बनाना, इसमें जो खर्च आते हैं, सपोज यदि कोई बांस का कुछ कुर्सी बना रहा हो, इसमें लकड़ी का कुर्सी बना रहा हो, ठीक है, इसमें ज़्यादा समझ में आएगा, लकड़ी का कुर्सी बना रहे तो वो क्या करेगा, पहले लकड़ी खरीदेगा, लकड़ी खरीदा कहीं पर, ये लकड़ी एक लिया, ठीक है, इस लकड़ी को वो क्या करेगा, अपना दुकान लाएगा, पहले जहाँ भी उसका बनाने का जगह होगा वहाँ लाएगा। तो इसको लाने में सपोज इसका दाम जो भी हो, 5,000 हो 10,000 हो, वो नहीं, इसको लाने में सपोज 500 रुपये खर्च हो गए लाने में, ठीक है, ये 500 रुपया खर्च हो गया लाने में। फिर उस लकड़ी के को जो भी होता है उसका प्रोसेसिंग करके उसको छीलना होता है या फिर प्लेन करना होता है, उसको काटना होता है, ये सारा चीज़ करने में सपोज 200 रुपया खर्च हो गया। अब वो चेयर बन गया, चेयर बनने का उसको रंग पेंट किया गया, डिजाइन बनाया गया, वो सब किया गया, उसमें सपोज करो कि 100 रुपये खर्च हो गए, ठीक है। तो ये लकड़ी का दाम सपोज करो कि 2,000 रुपये था, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ये लकड़ी का दाम कितना था, 2,000 रुपये था। अब ये लकड़ी हमको 2,000 मिला, उसको लाने में हम 500 रुपया खर्च कर दिए दुकान पर, दुकान पर आया 200 रुपया, उससे कुर्सी बना, कुर्सी बना उससे रंग पेंट करने में या फिर उसको डिजाइन बनाने में 100 रुपये खर्च हो गए। अब यहाँ जो खर्च हैं टोटल 500 इधर, 200, 5, 2, 7 और 1, यानी टोटल खर्चा मेरा कितना हो गया 800। तो ये जब 800 रुपया हम खर्च कर दिए तो ये कुर्सी क्या हुआ, बेचने योग्य बना, ठीक है ना। तो बेचने योग्य तक, विक्रय योग्य बनाने तक में जो भी खर्च होता है उसी क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं।
ठीक है, ये 2000 तो कॉस्ट हो गया उसका सामान का, 2000 रुपये में खरीदे वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं हुआ, एक्सपेंस यहाँ शुरू होता है जब उसको हम लोग लाए, 500 रुपया खर्च किए लाए अपने दुकान पे, दुकान पे उसको किए, मरम्मत किए, उसका जो भी करना पड़ता है उसके बाद उसको कटिंग करना पड़ता है, जो भी करना पड़ता है वो किए, उसमें 200 रुपये खर्च हुए, फिर 100 रुपये में क्या हुआ उसका डिज़ाइन तैयार हुआ और उसको अच्छे से बनाया गया, तब जाके टोटल खर्चा 800 रुपया हो गया। अब मेरा जो कॉस्ट पड़ गया वो पड़ गया कितना, 2800 रुपया पड़ गया टोटल, ठीक है, हमने जोड़ लिया क्या 2800 रुपये पड़ गया। तो 2000 का सामान में जो 800 रुपये एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो हुआ ना, इसी को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, सामान लाने से लेकर तैयार करने तक जो भी खर्च हो रहे हैं वो सब क्या हो रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मैं आई थिंक आप, तो आपने यहाँ तक डायरेक्ट एक्सपेंस को समझ लिया, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं, जिस तरह से वेयर, वेजेस, कैरेज, ये सब जो एग्जांपल है वो डायरेक्ट एक्सपेंस का है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नोट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस परचेज के साथ जोड़े जाते हैं। अभी मैंने बताया ना आपको कि 2000 रुपये का सामान था बस, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, 800 रुपये उस पर खर्च किए उसको बनाने में, ठीक है। और वो जो 800 रुपया खर्च हुआ उसी हम लोग परचेज के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। सभी प्रत्यक्ष कर को व्यापारी खाते की DR पक्ष में दिखाया जाता है, व्यापारी खाते में किस में दिखाते हैं, DR पक्ष में दिखाते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे हम लोग, अब इसके आगे है हम लोग का इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब ये क्या होता है, अब सपोज करो वो 2000 में मैंने कोई वस्तु खरीदा और 800 रुपये उस पर हम लोगों को उसको बनाने में, उसको तैयार करने में खर्च हो गया, टोटल तो मेरा खर्च अभी तक जो हो चुका है वो 2800 रुपया। अब ऐसा तो नहीं है कि आज मैंने बनाया और आज मेरा बिक गया, उसे रखने के लिए भी एक जगह चाहिए, गोडाउन चाहिए, तो उस गोडाउन का भी कुछ एक्सपेंस होता है। अब मैं एक सामान की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे गोडाउन में ऐसा थोड़ी एक कुर्सी रखना है, लेकिन यहाँ पे 100, 200, 500, अब कोई जब दुकान कर रहा तो वो थोड़ी एक कुर्सी बनाएगा, वो बहुत सारा बनाएगा, तो बहुत सारा जो चीज़ होगा उसको भी रखने के लिए जगह चाहिए, उसकी साफ़ सफाई होगी ताकि वो जब भी कस्टमर आए तो उसको वो नया लगे, क्योंकि कुछ दिन भी कोई भी सामान को छोड़ दिया जाए तो वो थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है, तो उसको साफ़ सफाई में करना चाहिए। तो उत्पादित वस्तु के बिक्री में या रख रखाव में होने वाला खर्च इनडायरेक्ट एक्सपेंस कराता है। मतलब हुआ कि सपोज ये 2800 का सामान था, इसे 10 दिन के बाद, 10 दिन तक रखा गया, सपोज वो 50 रुपया खर्च हुआ 10 दिन में रखने का, 50 रुपया खर्च हो गया, 10 दिन के बाद कोई कस्टमर आता है उसे वो लेता है और बोलता है क्या कि मेरे घर पहुंचा के कितना रुपया लोगे, मेरा घर, अब उसके घर तक सपोज वो सामान पहुंचाना है तो वो भी खर्च मुझे ही जोड़ना पड़ेगा, सपोज 150 रुपये खर्च लग रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो कि 2800 में सामान तैयार हुआ और क्या हुआ, 50 रुपया उसको रखने में 10 दिन रखे जो उसका खर्च हो गया, 150 रुपया उसका भाड़ा हो गया उसके घर तक का, अब कितना हो गया टोटल दाम इसको, तो टोटल हो गया 3000 रुपया, ठीक है। अब इस 3000 रुपया अभी तक क्या हुआ, मेरा खर्च हो चुका है। अब हम जब भी सामान को बेचेंगे, जब भी यहाँ पे इस सामान को बेचेंगे तो कस्टमर को 3000 से ज़्यादा ही दाम बताएंगे, क्योंकि मेरा अभी तक में जो अपना कॉस्ट आ गया वो 3000 आ गया, अब 3000 को 3500 में बेचिए, आप 3800 में बेचिए, 4000 में बेचिए, वो तो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ हम लोग समझ चुके, ये जो 50 रुपया जो उसको रख रखाव में खर्च हुआ वो, और 150 रुपया जो उसको पहुँचाने में खर्च हुआ वो, ये जो 200 रुपया खर्च हुआ ये हो गया क्या चीज़, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ओके। तो अभी तक आप लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस समझ चुके होंगे, ओके। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं रिवेन्यू पे, ओके। मैं आराम से बता रहा हूँ, आप लोग भी आराम से समझना, क्योंकि ये सब टर्म है, एक बार यदि अच्छे समझ में आ जाता है तो आगे हम लोगों को टैली सीखने में इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर इन सब चीज़ों में थोड़ी भी कन्फ्यूजन रहेगी तो हम लोगों को फिर आगे दिक्कत होगा, इसलिए कहीं भी कन्फ्यूजन आपको नहीं रखना है, हर एक टर्म को एकदम क्लियर रखना है। और यदि आपको किसी भी टर्म में लगे कि नहीं ये तो समझ में नहीं आया, ये भारी है, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ओके। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं रिवेन्यू, आज हम लोग यहीं तक देखेंगे, ठीक है, क्योंकि 4-5 टर्म हो गया, उन सभी को आप एक बार फिर से समझ लोगे तो ठीक रहेगा। अब रिवेन्यू की बात करते हैं, इसका मतलब होता है आगम, मतलब जो आता है।
आगम से आज से व्यवसाय की आयों से, व्यवसाय से आपको क्या आ रहा है, कितना इनकम हो रहा है, वो इसका अभिप्राय नियमित रूप से प्राप्त होने वाली आय आवर्ती प्रकृति के आय से भी है। मतलब रेगुलर जो प्राप्त हो रहा है, आप सपोज आपका कोई ज़मीन है या कोई मकान है, उसको आप रेंट पर दिए हैं, तो वो रेंट तो हर एक मंथ आ रहा है आपको, तो वो चीज़। आगम से पूंजी में अभिवृद्धि होती है, यदि आपका रेवेन्यू आता है तो उससे आपकी पूंजी में क्या होगी, वृद्धि होगी। सिंपल सी बात है, यदि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमको रुपया आ रहा है, फायदा आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उससे हम लोगों का रेवेन्यू बढ़ेगा, और रेवेन्यू बढ़ने से क्या होता है, आगम से पूंजी की अभिवृद्धि होती है। उदाहरण, माल के विक्रय से प्राप्तियाँ, अब माल बेचे उसमें 200 रुपये कमाए, माल बेचे 200 रुपये कमाए, और 10 रुपये का मेरा 2000 का बिक गया, 2000 रुपये मेरा क्या हुआ, वृद्धि हो गया। अर्जित आय, कमीशन, अर्जित किराया, ये जितना भी चीज़ है वो सब क्या होता है, हम लोगों का रेवेन्यू में आ जाता है, ठीक है। अब ये लाइबिलिटीज है, इसके टाइप्स हैं, फिर करेंट लाइबिलिटीज, इनकम, लॉस, ये सब बताएं, ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि ग्रॉस लॉस क्या है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट क्या है। कभी कभी ग्रॉस प्रॉफिट होने के बावजूद नेट लॉस हो जाता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट जब होता है फिर ये प्रॉफिट हो गया ग्रॉस प्रॉफिट, और बाद में जो है वो नेट लॉस हो गया, तो ये सब क्या होता है बिजनेस में, ये सब चीज़ भी हम लोग समझेंगे अगले क्लास में। अभी तक यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आपको समझ में आ रहा है, तो इसे ज़रूर दूसरों को शेयर करें, जिससे कि उनकी भी जानकारी में वृद्धि हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।